Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is mass and weight. Today on 28th of May 2020, we are going to differentiate mass and weight. Mass. What is mass? Mass is the actual quantity of matter contained in a body. We can write it the actual quantity of matter contained in a body is called mass. किसी चीज में मादे की मकदार जो होती है इसको हम मास बोलते हैं. इसके बरक्स वेट क्या है? ये फोर्स है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द Earth. So we can write it the force with which a body is attracted by the earth is called weight. Zameen. जिस फोर्स से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से किसी चीज को खींचती है वो क्या है? एक्चुअली वही चीज वेट कहलाती है. नंबर टू, दिस मास, वी कैन मेजर दिस मास विद किलोग्राम. सो वी कैन राइट द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. किलोग्राम से हम ये मास किसी चीज का नापते हैं. इसके बरक्स जो वेट है ये किस चीज से, हम किस यूनिट से नापते हैं? द यूनिट, इसकी यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वी कैन से द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. इन अदर वर्ड्स द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. अनदर पॉइंट, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एवरी प्लेस. अगर हम किसी चीज का मास कहीं भी दुनिया में जाए, कहीं भी मापे, तो ये मास जो है ये मास बराबर होगी, ये कहीं कम नहीं होगी. क्यों? ये एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ये बराबर रहेगी, इसमें कोई कमी या ज्यादती नहीं होगी. इसके बरक्स ये जो वेट है, जमीन एक मैग्नेट है, कहीं पर इसकी ज्यादा कशिश होगी और कहीं पर कम. सो ये जो वेट है ये कहीं कम होगा और कहीं ज्यादा होगा. सो वी कैन राइट इट, इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस. जो जमीन है इसकी जो कशिश है, जो ग्रेविटी है, इसके बरक्स चांद की जो ग्रेविटी है वो 6 गुना कम है. इसका मतलब यह हो गया, अगर हम किसी चीज का वेट जमीन पर देखेंगे वो 6 किलोग्राम होगा, और अगर हम किसी ऐसी चीज को वहां जमीन में लेकर जाएंगे, वो चांद पर लेकर जाएंगे, तो वहां इसका वजन 1 किलोग्राम होगा. नंबर फोर, it is this mass, it is measured by a common balance. जो common balance होती है, आम तराजू होती है, इसकी मदद से जो हम किसी चीज का वजन देखते हैं वही mass कहलाता है. जो वो दो side होते हैं इस common balance के, वो equally
जमीन अपनी तरफ खींचते हैं, लिहाजा जमीन की ग्रेविटी का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, जमीन की असर का उन पर कोई चेंज उनसे उस पर नहीं आती है। इसके बरक्स ये जो वेट है ये हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। इट इज मेजर्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। जो कमानीदार तराजू होती है उससे हम ये वेट मेजर करते हैं। लिहाजा जिस जगह जहाँ ज़्यादा कशिश होगी ज़मीन की वहाँ ये स्प्रिंग ज़्यादा खींची जाएगी और जहाँ कम कशिश होगी वहाँ कम खींची जाएगी, तभी तो ये वेट जो है ये वेरी हो जाता है प्लेस टू प्लेस। नंबर 5, इट कैन नॉट बी जीरो फॉर ए सब्सटेंस। जो भी कोई चीज देखेंगे हम, अगर हम उसका मास चेक करेंगे तो ये कम से कम जीरो नहीं होगी, मास कम से कम जीरो नहीं होगी। इसके बरक्स ये जो वेट है इट कैन बी जीरो बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस चीज पर नहीं एक्ट होगी तो इसका जो वेट आएगा वो जीरो आएगा। जैसे स्पेस, खला, खला में अगर हम देखेंगे तो कोई भी चीज होगी उसका वजन जीरो होगा। द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड वेट। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एवरी प्लेस। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट इज मेजर्ड बाय ए कॉमन बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। इट कैन नॉट बी जीरो फॉर ए सब्सटेंस। इट कैन बी जीरो बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटेशनल फोर्स एट एनी प्लेस एज इन स्पेस। Thank you.